वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम सॉल्व करेंगे मैक्सिमम ऑफ एन एरे। अब देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। तो हमें एक 5 साइज का एरे गिवन है, देखते हैं इसको। और मैंने इसमें एलिमेंट्स डाल दिए हैं 10, 22 ले लेते हैं, 2, 7 और 19। और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0, 1, 2, 3 और 4। और मुझे आर्ग्यूमेंट्स क्या पास किए गए हैं, मुझे मैक्सिमम टर्म का आर्ग्यूमेंट पास किया गया जिसमें एरे है, इंडेक्स है और एन। इस फॉर्मेट में दे रखा है मुझे क्वेश्चन। तो मुझे करना क्या है, मुझे इसके अंदर से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है कि भाई ये जो है ये बहुत बड़ा है, ये इससे बड़ा एलिमेंट है नहीं इसके अंदर, तो मुझे वो रिटर्न करना है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन और फेथ है क्या, देखते हैं। अब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एरे 0 और n मुझे मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करके दे देगा कि भाई ये जो है इसे कोई नहीं हरा सकता, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये मुझे मैक्सिमम रिटर्न कर देगा कि ये है मैक्सिमम है। और यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 22 मैक्सिमम है, तो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। तो मेरा फेथ क्या होगा, मेरा फेथ कहता है क्या कहता है, मेरा फेथ ये कहता है, तो मेरा फेथ कह रहा है कि एरे 1 और n, ये कह रहा है कि भाई यहां से लेके आगे तक के आखिर तक के यहां तक का एलिमेंट जो मैक्सिमम होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा, बाकी तुम देख लो। मैं क्या कह रहा हूं इसको कि देखो मैं ना अपना एक एलिमेंट है उसको मैंने लगा दिया है, तुम मैक्सिमम फाइंड करके लाओ और मैं उसको इससे लड़ा के देख लूंगा। अगर मेरा बड़ा हुआ तो मैं अपने वाले 10 को यहाँ प्रिंट करा दूंगा, और अगर तुम्हारा एलिमेंट बड़ा हुआ तो मैं उसको यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि फेथ और एक्सपेक्टेशन पता लग जाए। तो ये क्या कर रहा है, ये 22, 7 और 19 में से मेरे को मैक्सिमम ला के देगा। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से लेके आगे तक, यहाँ तक के मैक्सिमम एलिमेंट ला के दे रहा है, इन सब की लड़ाई करा के मुझे बलवान ला के दे रहा है कि भाई ये जो है इसको कोई नहीं हरा पा रहा। अब मैं क्या करूँगा, वो जो एलिमेंट आएगा लड़के सबसे बड़ा एलिमेंट, मैं उसको अपने इस एलिमेंट से लड़ा दूंगा कि भाई अगर ये बड़ा है तो भैया इसको आना चाहिए, ये मैक्सिमम है। और अगर वो नहीं आता है तो मैं इसका जो रिकर्जन मेरे लिए लेकर आया था मैं उसको रिटर्न करा दूंगा कि भाई इसको नहीं हरा पाया कोई। तो एक काम करते हैं, इसकी कॉल लगा के देखते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। तो पहले रिकर्जन की कॉल लग रही है क्योंकि मैं पहले उससे मंगा रहा हूँ कि भाई तू पहले लड़वा के लोग तो ला कि हाँ इसको हराना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंट मीसा नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि मैं उसमें जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम की वो स्टोर करा सकूँ। मैक्सिमम एरे इंडेक्स प्लस 1 नाम का, क्योंकि हर एक आइट्रेशन मतलब हर एक लूप के साथ जब जब वो बढ़ रहा है, हर एक उसके साथ बढ़ रहा है एलिमेंट, अगला ही मिल रहा है मुझे, इसलिए आईडेक्स प्लस 1 लगा है। और मैं क्या करूँगा कि अगर मेरा जो पहला एलिमेंट है जिसे मैं खुद ला रहा हूँ वो अगर बड़ा है मीसा से मतलब मेरे रिकर्जन से, भैया मेरा एलिमेंट जो है वो तो बड़ा है और वही प्रिंट होगा, ठीक है जी। और अगर ऐसा नहीं है, अगर मेरा एलिमेंट छोटा है तो भैया रिकर्जन जो ढूंढ कर लाया है उसको कोई नहीं हरा पाया, मैं रिटर्न कर दूंगा मीसा को, तो मेरे रिकर्जन को। हम इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या ये सही है, क्या जो हम कर रहे हैं इसका कोई मतलब है। काम करते हैं, नया स्टैक बनाते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो ले चलते हैं ओपन बोर्ड। ठीक है जी, हम स्टैक ड्रॉ करते हैं फटाफट से। अपना एरे बना रहे हैं।
एरे के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं, 22 ले लिया, 2 ले लिया, 33, 7 और 19 ये ले लेते हैं। इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, एड्रेस भी 4K है। तो हम यहाँ क्या रख रहे हैं, हम यहाँ पे एरे रख रहे हैं और हमारा इंडेक्स आ रहा है। तो कॉल्स किस हिसाब से लगेंगे, तो पहली कॉल तो रिकर्जन की है भैया, ये ला के दे रहा है हमें मैक्सिमम। और हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड कॉल, कि भैया देखेंगे हम लड़वा के कि हमारा जो पहला एलिमेंट है क्या वो बड़ा है। तो इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट है, तो पॉइंटर जीरो से स्टार्ट होगा, इसलिए हमने क्या करा दिया भैया, 4K एड्रेस में जीरो एलिमेंट मतलब जीरो इंडेक्स पे वो हमने पुश करा दिया। तो क्या हुआ, पहली कॉल लगी। पहली कॉल क्या कहती है भैया, इंडेक्स प्लस वन होगा, मतलब इंडेक्स बढ़ाओ। अब हमारा इंडेक्स जो है वो सेकंड की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब हमारा जो काउंटर है जो बता रहा है तुम कहाँ हो, वो कह रहा है अब तुम फर्स्ट वाले पे आओ। तो फर्स्ट वाला पुश होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट स्टैक के अंदर पुश हो गया। अब उसकी भी फर्स्ट कॉल लगी, इंडेक्स फिर बढ़ रहा है। अब पॉइंटर सेकंड की तरफ पॉइंट कर रहा है, सेकंड इंडेक्स की तरफ, अब वो पुश होगा। 4K सेकंड इंडेक्स पुश कर दिया हमने। अब दोबारा से फर्स्ट कॉल लगी, अब इंडेक्स फिर आगे बढ़ गया, वो थर्ड इंडेक्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो पुश होगा। हमने उसको पुश कराया और फिर से फर्स्ट कॉल लगा दी। दूसरी कॉल की बारी नहीं आई अब तक, क्योंकि फर्स्ट ख़त्म नहीं हुई, तो सेकंड कॉल की बारी आई नहीं रही है। तो फर्स्ट कॉल लगी, उसने कहा भैया काउंटर तो बढ़ेगा, इंडेक्स को तुम इंक्रीज कर दो। मैंने इंडेक्स इंक्रीज कर दिया, 4K और फोर्थ इंडेक्स पुश हो गया। अब पहली कॉल लगी, अब भैया पहली कॉल तो लगी, अब मैं इससे अगला एलिमेंट ढूंढ रहा हूँ जिससे मैं इसे कंपेयर करके मैक्सिमम ढूंढ सकूँ, जो कि है नहीं, ये खाली है। इस एरे के अंदर पांच एलिमेंट आ सकते थे और पांचों के पांचों हैं, छठे की जगह नहीं है जिससे मैं इसे कंपेयर कर सकूँ। अब मैं इससे आगे वाले एलिमेंट मतलब फिफ्थ इंडेक्स के एलिमेंट को इसे कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि वो मैक्सिमम है कि नहीं, पर वो है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा भैया, तेरे आगे पीछे मतलब तेरे आगे तो कोई नहीं है, तो तू एक काम कर, मैं तेरे को किससे कंपेयर करूँ, तू यहाँ से अपनी वैल्यू लेके रिटर्न हो जा, मतलब यहाँ से 19 लेके रिटर्न हो जा, ताकि मैं अगले बार से तुझे कंपेयर कर सकूँ। अब यहाँ से मैंने इसको 19 रिटर्न करा दिया। अब क्या होगा, अब सेकेंड कॉल लगेगी, सेकेंड कॉल अगर ही कंपेयर यहाँ पे आ गया है, ये सेकेंड कॉल लगी तो ये 19 लेके 7 के पास आ गया लड़ने के लिए। अब 7 ने कहा भैया देखो मैं तो हूँ छोटा, मैं तो नहीं लड़ सकता, तो ये क्या करेगा भैया, 19 को ही आगे रिटर्न करा देगा। तो इसकी दो कॉल लगी, ये वाइप आउट हो गया था। अब इसकी सेकंड कॉल लगी, अब 7 ने कही भैया मैं तो हार चुका हूँ, देखो 19 है बहुत बड़ा, तो एक काम करो 19 ही रिटर्न कर दो। 19 यहीं से रिटर्न हो गया, इसकी दो कॉल लग गई थी, ये वाइप आउट हो गया। अब सेकंड इंडेक्स पे आ गए हम, 19 पीछे से लड़ता लड़ता आ गया था कि आज तो जीत के रहूँगा, पर 33 मिल गया उसको। अब 33 ने क्या कहा, भैया आ जाओ, अब 19 बहुत छोटा था। अब 19 ने कही भैया जो भी है पर मैं इससे तो नहीं जीत पाऊंगा, तो क्या होगा, यहाँ से 33 रिटर्न हो गया क्योंकि इसने इसको हरा दिया। अब ये वाइप आउट हो गया, अब 1 की फर्स्ट सेकंड कॉल लग गई, अब हम 1 को कंपेयर करेंगे और फिर 2 33 के आगे कहाँ खड़ा रहने वाला था, इसलिए उसने भी क्या कर दिया, 33 को रिटर्न कर दिया। अब जो मेरा एलिमेंट था जो मैंने रखा था कि भाई देखते हैं कौन जीतेगा, अब उससे बारी है, यहाँ से भी 33 रिटर्न हुआ था। अब 22 और 33 की लड़ाई हो रही है, पर 22 कहाँ ठहरने वाला था उनके आगे, मतलब 33 के आगे कहाँ उसका मौका था। तो क्या होगा भैया, सेकंड कॉल लगी, फर्स्ट की लड़ाई हुई और वो जीत नहीं पाया और यहाँ पे 33 रिटर्न हो गया और जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो नहीं जीत पाया और वो वाइप आउट हो गया, हमारा स्टैक हो गया खाली। अब हमें बेस केस देखना था, बेस केस क्या हुआ भैया कि आगे जो एलिमेंट था वो तो नहीं था वहाँ, मतलब फिफ्थ इंडेक्स पे तो कोई नहीं था, तो मेरे को लड़वाना है तो वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, 19 जो था मेरा फोर्थ इंडेक्स पे, कहा भाई तू वापस लौट जा और अपने पीछे वाले से लड़ाई करके देख कि तू बड़ा है कि नहीं। तो इसका बेस केस लिखते हैं, तो बेस केस आएगा कि अगर मेरा जो इंडेक्स है वो n माइनस वन के इक्वल है, इसका मतलब अगर पांच साइज का एरे है तो चौथे इंडेक्स पे जो है वो वहां तक पहुंच जाता है, तो रिटर्न कर दे
वैल्यू, तो एरे आईडीएक्स के अंदर जो पड़ा है उसको रिटर्न कर दे ताकि मैं आगे लड़ाई करा सकूं। इसको चला के देखते हैं क्या चल रहा है, और ये चल रहा है तो सबमिट करते हैं टेस्ट केसेस के लिए, और ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप खुद ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका भी लड़ाई इस प्रकार चल रही है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।